हमर भारत देश म रिश्ता नाता म दृढ़ता लाए अउ ओमन ल सदा जोड़े रखे के खातिर भांति भांति के पर्व तिहार मनाए के रिवाज ह आदिकाल ले चले आथे। अउ ये जम्मो तिहार के संबंध ह कोनो न कोनो रूप म प्रकृति ले जुड़े रहिथे, जेमा अधिकांश तिहार म नारी शक्ति के बहुत ही अहम भूमिका रहिथे। ये तिहार मन म कभू पुत्र के खातिर त कभू पति के खातिर सदा से ही नारी शक्ति ह समर्पित रहत आथे। तही कड़ी म प्रकृति ले जुड़े पर्व करवा चौथ, जेन ह अटल सुहाग के कामना लिए पति के प्रति समर्पण भाव ल प्रदर्शित करत हे। प्रकृति के पूजा के पर्व करवा चौथ, जेमा रात के चांद के बड़ा ही महत्व माने जाथे, जेमा सुहागिन महिला मन आज ये करवा चौथ के जगमगावत चंदा के दुधिया अंजोर मा नहावत रतनपुर मा करवा चौथ के जबरदस्त धूम देखे बर मिलीज, जेकर तहत नगर के विभिन्न अंचल मा मनाए गए अखंड सौभाग्य के व्रत पूजा के तस्वीर आप मन तक न्यूज 36 के माध्यम ले पहुंचाए जावत हे। तई शुभ अवसर मा नगर के जम्मो सुहागिन महिला मन अखंड सौभाग्य के कामना बर अपन पति के दीर्घायु के खातिर दिन भर निर्जला उपवास रहिन। ओकर बाद जम्मो सुहागिन महिला मन सज धज के 16 सिंगार करके संझा होत ही जगमगावत चंदा के दीदार करे के खातिर अपन अपन घर के छत मा चढ़ के आसमान मा नजर टिकाए रहिन। जिला देख के ऐसे लगत रहिस जैसे ये चौथ के चंदा ह घलोक इमला देख के मंत्र मुग्ध होके अपन अमृतमयी शीतलता के बौछार करत रहिस, अउ आसमान के जम्मो नारी रूपी सितारा मन भुइया मा उतर आए रहिस। ओखर बाद फिर शुरू होइस पूजा पाठ के सिलसिला, जेमा जम्मो महिला मन एकजुट होके सामूहिक रूप ले धूप दीप अक्षत पुष्प धूप अउ पंचामृत ले अभिषेक करत हुए विधिवत गौरी गणेश के पूजा पाठ आरंभ करिन, अउ करवा माता ला लाल चुनरी अउ सिंगार के जम्मो सामान अर्पित करे गईस। ओखर बाद करवा माता के सामूहिक रूप ले आरती करे गईस और चंदा ला पानी में दूध सफेद चंदन फूल आदि डार के अर्ध दे गईस। फिर आखिरी मा चलनी के माध्यम ले चंदा के दर्शन करे के बाद अपन पति के हाथ ले पानी पी के ही ये उपवास ला तोड़े गईस। उपवास है और निर्जला उपवास है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होकर फिर गौरी गणेश और करवा माता का स्थापना किए हैं, फिर उनका पूजा अर्चना किए हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अभी करवा माता में और चंद्रमा में अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर पति के हाथों से व्रत तोड़ेंगे, पानी वो पिलाएंगे, प्रसाद लेंगे, व्रत तोड़ेंगे। आज प्रातः काल से हम लोग व्रत रखे हैं निर्जला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का। सारी महिलाएं शाम को छत में इकट्ठा होकर गौरी गणेश की पूजा करने के बाद करवा माता की पूजा करने के बाद चांद को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ते हैं। कार्तिक माह के चतुर्थी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन किया जाता है यह व्रत। अपने पति की मंगल कामना के लिए सारी महिलाएं किया करती हैं और सुबह से उठकर सारी महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। फिर शाम के सारी महिलाएं 16 सिंगार करके अपने अपने छत पे पूजा की तैयारियां करती हैं। शाम के गणेश भगवान की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, फिर करवा माता की पूजा करते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद कथा पढ़ा जाता है। कथा पढ़ने के बाद जब चांद निकल जाता है चांद की पूजा करते हैं, चांद को अर्घ देकर उनकी पूजा करते हैं।